इतिहासकार डेंजिल लोबो की महू के इतिहास पर आई 27वीं पुस्तक। स्कूलों में बढ़ रही है इस पुस्तक की मांग। महू निवासी डेंजिल लोबो की, जो एक प्रख्यात इतिहासकार है, महू के इतिहास पर लिखी पुस्तक 101 क्वेश्चंस विद आंसर्स अबाउट महू हाल ही में रिलीज हुई है। डेंजिल ने बड़ी ही खूबसूरती से इस पुस्तक में स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और आम व्यक्तियों के मन में महू के इतिहास को लेकर उठने वाले सवालों को 101 सवालों में समाहित किया है, जिससे हर एक व्यक्ति के हर एक सवाल का समाधान इस पुस्तक में मिल जाए। मालो मिरर ने इस अवसर पर डेंजिल से बात की। आइए देखते हैं वह खास इंटरव्यू। हाय डेंजिल, हाउ आर यू? आप अपनी इस बुक के बारे में बताएंगे जो आपकी नई बुक आई है? हाँ, अभी नई बुक जो आई है ये मेरा 27th बुक है, और पर बहुत समय से मैं इसे बनाना चाहता था। मन में ये बात बहुत सालों से थी, क्योंकि यू नो क्लासेस में मेरे में बहुत बार ये देखता था कि जब टॉकिंग राउंड्स होते थे क्लासेस में, तो मैंने बहुत बार ये चीज़ देखा है कि बच्चे ये नहीं जानते थे मऊ के बारे में डिटेल्स, कि कौन से दो नदी है मऊ में, कौन से माउंटेन रेंजेस है, विंध्यास है मऊ के सबसे पास, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे। और मेरे अंदर वो बात थी कि मैं बताऊँ इनको, मैं बताऊँ और एक बुक खास करके इन्हीं लोगों के लिए निकालूँ, ताकि इनको ईजी मटीरियल मिल जाए और फैक्ट्स मिले, जिसके कारण वो गर्व भी करें मऊ के बारे में, जाने भी कि क्या क्या है। ये ड्रीम बहुत समय से था मेरे मन में, पर अब ये साकार हुआ इस बुक से फाइनली। और इसमें क्या क्या है इस बुक में? बुक के ये बुक, इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिए, थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैंने ऐसे वाले लिए जो इनको शायद काम आएंगे इंटरव्यूज़ में भी, और नॉट ओनली फॉर इंटरव्यूज़ बट यू नो नॉर्मल लाइफ में जानने के लिए और इंस्पायर प्रेरित होने के लिए मऊ के लोगों के बारे में और मऊ की चीज़ों के बारे में, पुराना हिस्ट्री। तो यू नो आर्मी के बारे में भी कई क्वेश्चंस है, फिर इन्फेंट्री मेमोरियल के कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि यू नो 5 स्टैचूज क्यों है मेमोरियल में, क्या एग्जैक्ट वेट कितना है मेमोरियल का, यू नो एक एक स्टैचू का, कितने दिन लगे थे वहाँ से आने में, ये छोटे छोटे डिटेल्स, क्योंकि सब लोग मेमोरियल पास, इन्फेंट्री मेमोरियल को पास तो करते ही हैं हम लोग, गर्व से देखते हैं, फोटोज खींचते रहते हैं, पर ये जानकारियाँ जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, कि किन्होंने मेमोरियल बनाया था, ये सब चीज़ें इसमें हैं इन क्वेश्चंस। और आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे ही है ना इसमें, तो स्टूडेंट्स? बनाया तो मैंने बच्चों के लिए है, पर वो एक्चुअली सब लोगों को काम आएगा, क्योंकि यू नो उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे, पर जो मेन मैं चाहता हूँ कि बच्चे उसको पढ़े। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।